नरेन ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हो उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है, दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता,
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए, इसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज संहिता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोले, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाए तो आ जाए, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या एक महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है, कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने दो चार दुकान डाल कर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे ला कर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा? आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे। शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए, लिंग पुराण, आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए। जिस पुरुष नारी के चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए, 3 दिन में दाग खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है, उस भस्म को अच्छा छान कर पीस कर उसका, उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बंद, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही तो ही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी
आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव बन। शनिवार के दिन जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है, जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है, एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर, बार बार आपको कहा, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।